हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद स्वाति। तो आज मैं दो ही रेसिपी से आपको बहुत ही टेस्टी नाश्ता बना के दिखाऊंगी। ना ये समोसा है ना ये कचौड़ी है, पर खाने में बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त है। तो मैंने दो आलू को बढ़िया से मैश कर लिया है, आप और भी ज़्यादा आलू लेके इसे बना सकते हैं। तो इसमें मैंने आधा प्याज डाल दिया है, अगर आप प्याज नहीं खाते तो इसकी जगह आप पत्ता गोभी भी ऐड कर सकते हैं। तो एक ग्रेट गाजर डाल दिया। अब मैंने इसमें ग्रीन चिली ऐड कर दी है, स्वाद अनुसार सॉल्ट ऐड कर दिया है और चाट मसाला। आप इसमें और भी मसाला ऐड कर सकते हैं, बट मैं इतने ही मसाले से इसे बना रही हूँ। और इसे अब मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद क्या है, जो मैंने दो ब्रेड क्रम्स क्रश करके रखे हैं उसे भी थोड़ा थोड़ा करके मिला लेंगे। पर इस ब्रेड क्रम को बहुत ही तेज़ हाथ से दबा दबा के नहीं करना है, हल्के हाथ से ही करना है कि ये ऊपर तक पूरे ब्रेड क्रम्स लगे रहें। और उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, दो पूरे ब्रेड क्रम्स को नहीं यूज़ कर रही हूँ, थोड़े से ही ब्रेड क्रम्स को यूज़ कर रही हूँ और थोड़े से ब्रेड क्रम मैं बचा ले रही हूँ। इसे आप किसी भी और भी नाश्ते में प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने थोड़े से और ब्रेड क्रम्स लिए हैं और इसके बाद इसे मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद इसे मैं चार पार्ट में डिवाइड कर लूँगी। तो ये टिक्की थोड़ी बड़ी बड़ी बनती है और आप इसे छोटा बड़ा कुछ भी कर बना सकते हैं और इसे किसी कोई भी शेप दे सकते हैं। तो इस तरह से मैंने एक लोई कट कर ली है इसकी और इसके इस तरह से मैंने गोल शेप दे दिया है, आप कोई भी शेप में इसे बना सकते हैं। तो इस तरह से मेरी चार टिक्की बन के रेडी हो चुकी है और इसे अब मैं साइड कर लेती हूँ। अब मैं एक स्लरी बना लेती हूँ, उसमें दो चम्मच मैदा डाल दिया है और ये मैदा बहुत ही क्रंची और बहुत ही टेस्टी लगता है इससे। तो इस तरह से मैंने सॉल्ट, चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डाल दिया है। अगर आप चिली फ्लेक्स नहीं खाते तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक अच्छा पेस्ट बना लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालने से ये रहेगा कि आपका इसमें लम्स नहीं आएगा और ये अच्छी तरह से एक पेस्ट बन के रेडी हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं इसको बना रही हूँ, ना बहुत ही थिक बनेगा ना बहुत पतला। तो इसे नॉर्मल बनाना है, जैसे कि अच्छे से कोटिंग हो जाए। तो आज मैं टिक्की को सैलो फ्राई कर रही हूँ और आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरा आलू हो ऑयल भी हो चुका है और अब मैं क्या करूँगी, एक टिक्की डाल दूँगी और एक टिक्की को एक चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से इसकी कोटिंग कर लूँगी, जैसे कि एक ऊपर से पूरी अच्छे से कोटिंग हो जाए। तो इसके बाद मैंने इसे पैन में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो इसी तरह से क्या करूँगी, सारे टिक्की को इस तरह से कोटिंग कर लूँगी और मैं डाल दूँगी। अगर आपका पेस्ट पतला हो जाए तो इसमें थोड़े से और मैदे भी डाल सकते हैं और आप मैदे की जगह इसमें आटे का भी प्रयोग कर सकते हैं और हेल्दी बनाने के लिए। तो इसी तरह मैं सारी टिक्की को एक के बाद इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी और इसे चारों तरफ जैसे ये सेलो फ्राई हो जाएंगे। और आप प्लीज़ जब तक मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। कमेंट्स करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं बहुत सारी चीज़ें लेकर आऊँगी। और कल से स्टार्ट हो रहे हैं नवरात्रि और आप सबको हैप्पी नवरात्रि। और नवरात्रि के 9 दिन तक मैं प्याज लहसुन नहीं खाती। जो भी ये प्याज लहसुन नहीं खाता तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मैं आप लोग के लिए नवरात्रि स्पेशल भी लेकर आऊँगी। और नवरात्र के 9 दिन बिना प्याज लहसुन के आप क्या बना सकते हैं और क्या बनाकर खा सकते हैं, तो मैं वो भी वीडियो आपको डालती रहूँगी। तो अब मैं इसे पलट के दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से सेक लूँगी और सेकने के बाद जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो मैं इन्हें निकाल लूँगी। तो ये बहुत कम ऑयल में बहुत ही अच्छे बन के रेडी हो जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ऑयल नहीं पिए हैं, चारों तरफ ऑयल अच्छी तरह से है। और जब ये मैं प्लेट में निकालूँगी तो उसमें भी आपको दिखाऊँगी, उसमें भी बिल्कुल ऑयल नहीं लगे हैं। और ये देखिए चारों तरफ से अच्छी तरह से हो चुके हैं, बहुत ही क्रंची और बहुत ही टेस्टी है। एक बार इसे बनाकर ज़रूर देखिए, आप बच्चों के टिफ़िन में भी इसे बना के रेडी कर सकते हैं। और इस तरह से हमें मेरे टिक्की हो चुके हैं तो अब मैंने निकाल सकती हूँ। तो इसे बस आप इसे किसी भी चटनी, ग्रीन चटनी या केचप के साथ या फिर चिंग्स की चटनी के साथ भी इसे खा सकते हैं। तो ये वैसे भी खाने में बहुत ही टेस्टी है, खट्टा मीठा और तीखी का साथ वैसे ही है, आप इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं। तो ये कितने क्रंची आए हैं और अब मैं इसकी प्लेटिंग कर लेती हूँ। तो ये बन के रेडी हो चुके, तो मैं इसे खा के बताती हूँ ये कैसा बना है और आप इसे भी अपने घर में बना के टेस्ट कर सकते हैं। तो लेट्स इन्जॉय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय बाय।